मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो प्यार हो या विचार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की वीडियो की शुरुआत हमने कुछ अच्छी पंक्तियों से करने की कोशिश की, कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, जो भी लोग BA जी, BCOM जी और BSc जी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उनका एक कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य पाठ्यक्रम है, BEVAE 181, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो इस पाठ्यक्रम के कुछ वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हमने पहले अपलोड किए थे, आपने देखे भी होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट नंबर 1 से 4 तक के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनकी PDF फाइल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपको इन PDF फाइल्स में मिलेंगी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम का नाम है BEVAE 181, पर्यावरण अध्ययन के नाम से इसको जाना जाता है। ये BA जी, BCOM जी और BSc जी इन प्रोग्रामों में पढ़ना होता है। जिन्होंने भी जुलाई 2019 या उसके बाद एडमिशन लिया है इन प्रोग्रामों में, उन सभी के लिए ये कंपलसरी पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो नोट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, उसमें यूनिट 1 में जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट, इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयी प्रकृति के बारे में जानना है, इसके महत्व के बारे में जानना है, पर्यावरण संबंधी जागरूकता की क्यों आवश्यकता है इसके बारे में जानना है। ऑलरेडी इन पे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, और वो सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी हुई जो संस्थाएँ हैं उनके बारे में आपको जानना है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में जानना है, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल दोनों ही डेवलपमेंट की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्थायी विकास एक वैश्विक चिंता क्यों है, इसी तरह से एजेंडा 21, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको पढ़ना होगा, और साथ ही साथ जैव विविधता एवं स्थायी विकास, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यूनिट 2, इकोसिस्टम्स के अंतर्गत जो चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए उसमें पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की संकल्पना क्या होती है, यानी कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, ऑलरेडी इन पे वीडियो मौजूद है, आप उसको देखिएगा, डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। इसी तरह से जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे आते ही आते हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। खाद्य श्रृंखला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी कड़ी में जो आपकी अगली यूनिट है, इकाई 3, प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र, मेजर इकोसिस्टम्स, इसमें आपको वन्य पारिस्थितिक तंत्र क्या हैं, भारत में वनों के प्रकार का वर्णन करना है, वनों के उपभोग की चर्चा करना है, चारागाही या घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, चारागाही प्रजातियों का लोप क्यों हो रहा है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है, समुद्री पारितंत्र क्या है, जलीय पारितंत्र क्या है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट 4, भूमि व जल, लैंड एंड वाटर, इसके अंतर्गत जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं वो बता देता हूँ आपको। भूमि और संसाधनों के उपयोग में ऐतिहासिक परिवर्तन की विवेचना, पृथ्वी पर संसाधनों की प्रचुरता, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नवीकरणीय स्रोत के रूप में जल संसाधन का उल्लेख, इससे जुड़ी हुई समस्याएँ क्या हैं, कृषि और विद्युत उत्पादन के लिए जल संसाधन का उपयोग अति महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए बांधों का निर्माण होता है, इस पर आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। विश्व खाद्य समस्या, खाद्य सुरक्षा पर टिप्पणी, खाद्य के वैकल्पिक स्रोत, जल विद्युत ऊर्जा पर टिप्पणी। तो इस तरह से ये 4 यूनिट तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। कुछ और जो 4th यूनिट से क्वेश्चन है वो और देख लीजिए। भूमि संसाधन प्रकृति प्रदत्त एक अद्भुत संसाधन है, इस पर आपको चर्चा करनी है। मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण, भूमिगत जल प्रदूषण पर टिप्पणी, भारत में नदियों की स्थिति, भारत में सबसे खतरनाक जो आपदा है जैसे बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है, भूस्खलन है, इसके बारे में जानकारी, बाढ़ क्यों एक महत्वपूर्ण आपदा है, राष्ट्रीय जल नीति 2012, इसके बारे में जानकारी, कावेरी जल विवाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया, कृष्णा नदी जल विवाद क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपके यूनिट 1 से 4 तक कवर होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपसे शेयर कर दिए, इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे और इनके वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपको, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स इनके मौजूद हैं और उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है इंपॉर्टेंट नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो नोट्स का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के माध्यम से दे रहा हूँ। आप हर एक यूनिट्स के नोट इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ आप इसको आराम से, तसल्ली से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी
व्यूवर्स हैं जो कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर हमें किताबें ही नहीं मिली अभी तक, और अब समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत करीब है। और एग्ज़ाम से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान आई, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि अभी जो कमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है मार्च के सेकंड वीक में संभवतः भरे जाने लगेंगे। फर्स्ट या सेकंड वीक में सामान्य तौर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी बीएजी, बीकॉमजी और बीएससी प्रोग्राम के जिन्होंने जुलाई 2019 सेशन में दाखिला लिया था, वो इस बार अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये सभी पीडीएफ फाइल्स को गूगल ड्राइव के माध्यम से, वीडियो में हम जिसका लिंक दे रहे हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर सेव कर लीजिए या प्रिंट निकलवा लीजिए, और फिर इसको आप एक तरह से रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यूनिट 1 से 4 तक वो कवर हो गए हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जो आपकी बची हुई यूनिट्स हैं उनको लेके आएंगे। फिलहाल अभी क्योंकि आपको असाइनमेंट भी जमा करना है, और असाइनमेंट की जमा करने की जो आखिरी तिथि है सामान्य तौर पर 30 मार्च होती है, लेकिन अभी ये बढ़ा दी गई है, अप्रैल तक है कुछ प्रोग्रामों में। ऑलरेडी डेट असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई होती है, तो आप जब अपने असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे, यानी कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको जब आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आखिरी तिथि लिखी हुई है। जहाँ तक बीएजी, बीकॉमजी, बीएससी जी प्रोग्राम की बात है, तो लगभग सभी असाइनमेंट्स में जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो अप्रैल की लिखी हुई है। 30 अप्रैल के आसपास आपको असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होता है, उससे पहले भी कर सकते हैं। उसी दौरान आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है, और अपने प्रोग्राम के अगले वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किए, उन सभी के आंसर्स इन पीडीएफ फाइल्स में मौजूद हैं। ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके असाइनमेंट बनाने में, आपके एग्ज़ाम में, और निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने के बाद भी आप इसमें से भी कुछ चीज़ें अलग से शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं एग्ज़ाम के समय दोबारा से पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग यूनिट्स होने की वजह से जो पेजेस हैं पीडीएफ फाइल्स में वो ज़्यादा हो गए हैं। आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। रही बात जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जिन पर अभी वीडियोस कवर नहीं हो पाए हैं, तो उनके भी इसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ नोट्स उपलब्ध करा दें जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रभावित ना हो, एग्ज़ाम आप अच्छे से दे लें, और एटलीस्ट इस तरह का आपका पेपर रहे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस कड़ी में हम और भी जो आपके छूटे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लेके आएंगे। अब चूँकि ये कंपलसरी पेपर है, इसको सभी बच्चों को पढ़ना होता है, इसलिए पहले हमने इसको किया है। इसके बाद अभी सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जो कि आपका मेन पेपर है, उसको भी लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ फाइल दी है गूगल ड्राइव के माध्यम से, उसको ज़रूर आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी हम इसी तरह से दूसरे वीडियो बना के लाएंगे। तो चलिए, इंतज़ार है आपके रिस्पांस का। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।